तो एक तरफ राहुल गांधी का बीजेपी के नेताओं पर वार है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी तीखी तकरार है। ये लड़ाई मेयर पद को लेकर है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी गैर कानूनी तरीके से मनोनीत सदस्यों से वोटिंग कराना चाहती है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर दिल्ली में मेयर नहीं बनने दे रही। अब दोनों तरफ से वार पलटवार कब तक चलेगा, यह बड़ा सवाल है। एमसीडी चुनाव के परिणाम आए 2 महीने बीत गए हैं, मगर दोनों तरफ से मोर्चेबंदी जस का तस है। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है, दोनों तरफ से तख्तियां उछाली जा रही हैं, दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर घमासान बढ़ गया है। बात सदन से निकलकर सड़क तक आ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जिस तरीके से तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो तो मेयर का चुनाव चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हंगामा करके हर बार बैठक में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देती है कि सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा, देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि 3 बार तक एमसीडी में मेयर का चुनाव टल चुका है और अब देखना होगा कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। मेयर का चुनाव किस तरह से सड़क पर संग्राम होता जा रहा है, उसकी ताजा वानगी देखने के लिए आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी के तमाम चुने हुए पार्षद हैं, एल्डरमैन हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा के साथ साथ रमेश भिधूड़ी और दूसरे तमाम सांसद यहां पर मौजूद हैं और सबका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए या मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऑफिस के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने ये प्रदर्शन बुलाया है और इस प्रदर्शन के तहत जो है तमाम पार्षद यही मांग कर रहे हैं कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मामला मनोनीत सदस्यों को वोट के अधिकार को लेकर है। आम आदमी पार्टी लगातार मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने का विरोध कर रही है, तो बीजेपी इसके समर्थन में है। जिसके पास नंबर है उसको चुनाव कराना चाहिए, उसको बड़े का परिचय देना चाहिए। एल्डरमैन को वोट नहीं डलेगी, किसने शोर मचाया? एल्डरमैन को पहले शपथ मत देने दो, किसने शोर मचाया? दिल्ली वालों ने एमसीडी के अंदर किसको चुना? आम आदमी पार्टी को। मेयर किसका बनेगा? आम आदमी पार्टी का। सरकार किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो जाए? ये तो भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी है, इनके मन में खोट है कि ये इलेक्शन तक जो है अब नहीं होने दे रहे। बवाल की वजह से कल एमसीडी का चुनाव नहीं हो सका और तीसरी बार इसे टालना पड़ा। अब दोनों पार्टियां सड़क पर उतर कर एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। उधर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है। अदालत में कल इस मामले की सुनवाई होगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो प्रदर्शन कर ही रही है, अब दिल्ली में साधु संतों और पुजारियों ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुजारी प्रकोष्ठ ने केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पुजारियों की मांग है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिस तरह से मौलवियों को वेतन दे रही है, उसी तर्ज पर पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए। केजरीवाल सरकार का जो दोहरापन है, दोगलापन है, उसे जगाने आए। केजरीवाल मान लो कहना चाहते हैं इमामों को तनख्वाह दे के, पुजारियों को नहीं, कभी हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं का वोट नहीं चाहते, पुरुषवाद हिंदू वोट क्यों देगा? क्योंकि टैक्स सब देते हैं, ये उनका अपना पैसा नहीं है, निजी पैसा नहीं है, सरकारी संपत्ति है और समाज की संपत्ति है। तो आप इमामों को पैसा दोगे, पुजारियों को नहीं दोगे, इससे ये बड़ा अपमान क्या हो सकता है? 24 का चुनाव सामने है और जिस तरह से दिल्ली में सियासी महाभारत छिड़ी है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ संतों के गुस्से को बीजेपी जरूर अपनाएगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।